हे गाइस वेलकम बैक। फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M34 लॉन्च हो चुका है गाइस। ये वीडियो काफ़ी डिले है गाइस, सुबह बात करते लुक्स काफ़ी अच्छा देखने मिलता है और इसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। एम सीरीज मतलब मॉन्स्टर सीरीज गाइस, इसके अंदर आपको 6000 में से एक बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। एंड जो डिस्प्ले होगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस एस एम्बोलन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 120 फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके साथ आपको 1000 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि इंडोर आउटडोर के लिए बेस्ट है गाइस। एंड इसके अंदर आपको 3.5 का जैक देखने को मिलता है, और इसका जो वेट है गाइस थोड़ा सा हैवी कह सकते हो गाइस, 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलिंग नहीं होता है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर देखने को मिलता है, दोनों अच्छी तरीके से काम करते हैं। पीछे की जो बैक है प्लास्टिक बैक देखने को मिलती है, और साथ में इसके अंदर बॉक्स के अंदर यूएसबी C2C केबल मिलती है। एडाप्टर आपको गाइस बाहर से परचेस करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 5 NM बेस्ड प्रोसेसर है। इसके साथ आपको जो वेरिएंट देखने मिलता है 6120, जो रैम है LPDDR4X देखने मिलती है, स्टोरेज रिफ्लेक्स 2.2 देखने मिलता है। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको ऑप्शन तो बेस्ट है, बढ़िया होता है रैम 5 होती तो बेस्ट हो सकता है LPDDR5, जो स्टोरेज रिफ्लेक्स 3.1 होता तो बेस्ट हो सकता था इस प्राइस रेंज के अंदर, पर इसके अंदर आपको 6000 mAh बड़ी बैटरी देखने मिलती है, 25W की चार्जर को ही सपोर्ट करता है। बढ़ते हैं इस कैमरा मॉड्यूल की तरफ। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है एस सीरीज से रिलेटेड, जैसे S20 S21 से रिलेटेड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। इसके अंदर ट्रिपल कैमरा से लॉन्च है, जो फर्स्ट जो कैमरा है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 50 MP का प्राइमरी सेंसर, जिसके अंदर आपको JN सेंसर देखने को मिलता है सैमसंग का, और 8 MP अल्ट्रा वाइल है, 2 MP का माइक्रो और LED फ्लैश है, और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और जो अंतो स्कोर है इस 410,000 के आसपास अंतो स्कोर, जो गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाला आपका इधर लो टू मीडियम सेटिंग पर गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाला CA CDU BGMI आप लो टू मीडियम सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट देखने मिलता है, और फ्रंट के अंदर आपको नोच पे 30 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है जो कि ओवरऑल डिसेंट है। जो प्राइमरी सेंसर उससे काफ़ी फोटोज वीडियोज अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बाकी 2 MP का ठीक है, फ्रंट के 30 MP का ओवरऑल ठीक है। जो 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हो प्राइमरी कैमरे से, और इसके अंदर आपको जो स्पीकर देखो मोनो स्पीकर देखो मिलते हैं, और इसके साथ में इसके अंदर आपको 11 5G का भी सपोर्ट देखो मिलता है। आप मुझे बताइए सैमसंग गैलेक्सी M34 आपको 5G फोन कैसा लगा, कुछ प्लस पॉइंट भी है, आपको एक बड़ी बैटरी देखने मिलती है, कैमरा अच्छा देखने मिलता है, ओवरऑल 20,000 के अंदर गाइस आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए 5G तो ये ले सकते हो गाइस। डिस्प्ले अच्छा है और रिफ्रेश रेट अच्छा, ब्राइटनेस अच्छी, ओवरऑल ये बेस्ट है, बस ये कुछ माइनस पॉइंट भी है, और बाकी सब ओवरऑल ये 20,000 के अंदर आने वाला बेस्ट 5G फोन हो सकता है। आप मुझे बताइए सैमसंग गैलेक्सी M34 5G आपको कैसा लगा, लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, प्राइस के मामले में, तो मुझे बताइए। आई होप हमारे वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।